काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के बाद जितने जोश में थे उतने ही जोश में अब मंत्री जी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की हार को स्वीकार किया है। मंत्री विजयवर्गीय ने सिटी न्यूज से खास चर्चा में कहा कि जनता ने किरण बेदी और केजरीवाल में से केजरीवाल को चुना है और पार्टी ने जो अंतिम समय में किरण को पार्टी का चुनावी चेहरा बनाया ये उसकी हार है। और क्या क्या बोले मंत्री विजयवर्गीय आइए जानते हैं। तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं काबीना मंत्री श्री कैलाश। बड़े नेताओं ने बहुत कहां पर कमी रही, देखिए दिल्ली का चुनाव किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल था और इसलिए लोगों ने किरण बेदी की पूरी टीम को रिजेक्ट किया है और अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो चुनाव लड़ा है वो नगर निगम का जो घोषणा पत्र होता है सड़क बिजली पानी इसको लेकर वो लोगों की वास्तविक जो समस्या से जूझ रहे थे उसके ऊपर उन्होंने घोषणा पत्र चलाया। इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस भी की कि हम पानी फ्री में देंगे, बिजली का आधा शुल्क कर देंगे, तो हर परिवार को ये लगा कि हमें 5-6 हज़ार रुपये प्रति माह का फ़ायदा होगा अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनता है। तो लोगों ने अपने हित को सोचा, दिल्ली के हित को और देश हित को नहीं सोचा। तो जब निजी हित कई बार भारी हो जाता है व्यक्ति के लिए, तो निजी हित के कारण ये पूरी की पूरी टीम जीती है। राष्ट्रीय राजनीति में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये कहना कि मोदी वर्सेस केजरीवाल है तो ये मजाक होगा, राजनीति में इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव था ये, और किरण बेदी जी की टीम को जनता ने पसंद नहीं किया तो केजरीवाल को समर्थन दे दिया। देखिए हमें ऐसा लगा कि जो हमारा काम करने का पैटर्न है मैन टू मैन, उस पैटर्न पे आप पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सुस्ती में थे। मुझे महसूस हो रहा व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टी का निर्णय नहीं, मेरा अनुमान है कि अचानक किरण बेदी जी को नेता बनाने से कार्यकर्ताओं में जब तक नेता और कार्यकर्ता के बीच का एक भावनात्मक संबंध होता वो नहीं जुड़ता है तो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहता, उसके अंदर की एनर्जी से काम नहीं करता। तो किरण बेदी जी आई अचानक और नेता घोषित हो गई, पर जो कार्यकर्ता नीचे पोलिंग बूथ पे काम करता उसके भावनात्मक संबंध उससे नहीं जुड़ पाए और इसलिए वो कार्यकर्ता सुस्त रहा। इसलिए जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी का कामकर्ता पोलिंग बूथ पे वोट निकालता है वो वोट नहीं निकाल पाया और उस तेज़ी से हमने देखा कि आपका कार्यकर्ता वोट निकाल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये बात थी कि मिले हुए 3-4 महीनों में उसने पूरे दिल्ली में घूमकर अपने कार्यकर्ताओं से भी संबंध स्थापित किया और जनता से भी स्थापित किया। तो उनके कार्यकर्ताओं में एक नेता के प्रति जो एनर्जी रहती है काम करने की उनके कार्यकर्ताओं में थी और हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी सुस्ती थी, जिसका परिणाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पहले वर्धन जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार कर किरण बेदी को लाया गया था। क्या लगता है अब इस पूरी हार की जिम्मेदारी, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बार बार कहा था कि जो चुनावी वादे किए गए थे वो महज जो है पॉलिटिकल मार्केटिंग का हिस्सा बढ़ते, अब क्या लगता है उन पर एनालिसिस करने का दौर शुरू हो गया है? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अमित शाह जी ने यह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि काला धन यदि देश के अंदर आएगा तो प्रति व्यक्ति को 15 लाख रुपये फायदा हो सकता है, इतना काला धन विदेश में। पर उसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा तो कभी किसी ने नेता ने नहीं कहा। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जुमले में ये होता है कि काला धन आएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए इतना काला धन आएगा, तो वो कोई बैंक में जमा कर देंगे, ये एडिशनल कहाँ से कैसे कोई प्रचार हुआ है समझ में नहीं आया हमारा। कई बार गलत प्रचार, गलत तरीके से प्रचार और लोगों के मन में बैठ जाता है, वो नुकसानदायक होता है। इस प्रकार के कुप्रचार करने में अरविंद केजरीवाल की टीम की मास्टरी है और वो उसमें सफल हुए, पर हम अपनी बात अपने विचार आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, विशेषकर हमारी दिल्ली की टीम। मैं इसके लिए हमारी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानता हूं या उनकी कमी मानता हूं, दोषी तो नहीं कह सकता पर उनकी कमी है कि वो अरविंद की टीम की तुलना में आम जनता से जुड़ने में थोड़ी सी कमजोर साबित हुई। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस ऐसा सोच रहा है मैं समझता हूं वो परिपक्व नहीं। आखिरी सवाल, जाते जाते केजरीवाल के लिए क्या संदेश होगा, 49 दिनों की पहली सरकार देश की जनता ने देखी है, अब जो एक बड़ा मैंडेट मिला उसके बाद सरकार की उम्मीद? नहीं, कुर्सी से चिपक के काम करें, वो भागे नहीं, बस ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए यहाँ पर एक चुटिले अंदाज में अरविंद केजरीवाल को एक सबक देते ये थे काबीना मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय। देखना होगा कि आपके इस उदय के बाद किस तरह से देश की राजनीति के कैनवास पर एक नया चेहरा उभर कर सामने आता है। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, इंदौर।